हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी के थोड़े बहुत बढ़िया वाले ट्रिक्स, और आपको इजीली याद हो जाएंगे। और आप भी इसमें कोशिश करें, थोड़ा टाइम अपना इसमें दोगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप ज्योग्राफी के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर लोगे अपने। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स, क्या है हमारे नेपाल के कुछ पर्वत शिखर, यानी नेपाल में जो जो हमारे पर्वत शिखर हैं वो, उनके बारे में हम जानेंगे। पहले फर्स्ट है यहाँ पे अन्नपूर्ण, लेसन, धौलागिरी और एवरेस्ट। और भी हैं यहाँ पर, नेपाल और चाइना के साथ है, नेपाल और इंडिया के साथ है, वो वाले मैं अलग से आपको बता दूंगा। अभी वो ओनली नेपाल नेपाल में है वो वाले आपको बता रहा हूँ कौन से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक है, देखो क्या है ट्रिक। वो ट्रिक है अन्नू लहसुन धो के डाल एवरेस्ट में। एवरेस्ट का मसाला आपने सुना होगा, अन्नू एक नाम है, लहसुन लहसुन होता है ना, जो लहसुन हम घर में बनाते हैं, लहसुन की सब्जी, धोकर उनको डाल एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट का मसाला। जैसे ये कढ़ाई रखी हुई है, इसमें एवरेस्ट का मसाला डाला हुआ है। ये अन्नू, अन्नू से बोला, अन्नू ने ये लहसुन धो दिया, चलो लहसुन धो के अब इसमें डाल दिया कढ़ाई में जो भी है। अन्नू लहसुन धो के डाल एवरेस्ट में, एवरेस्ट का चाट मसाला पड़ा हुआ है इसमें। तो अन्नू से हमारा यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ पे क्या अन्नू से यहाँ पर पॉइंट बन गया हमारा, ये देखो अन्नू से यहाँ पॉइंट बनाया हमने। देखो अन्नू से यहाँ पॉइंट बनाया हमारा अन्नपूर्ण, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, क्लियर है सब कुछ, ठीक है? अन्नू से यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया, ये अन्नू से ये बना हमारा अन्नपूर्ण। लहसुन से हमारा लहत से यहाँ पर एक पॉइंट। धो से बन गया धौलागिरी, और एवरेस्ट तो है ये, सभी जानते हैं एवरेस्ट को। फिर इनकी हमें ऊंचाई कितना ऊंचाई है, देखो 8078, अन्नपूर्ण 8078 मीटर है। लहत से यहाँ पर 8501 मीटर है। धौलागिरी 8172 मीटर है। और एवरेस्ट जो कि आप सब लोग अच्छे से जानते हो, इसकी ऊंचाई 8850 सबसे हाईएस्ट है ये, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।